नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं ये हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की यहाँ पर मीटिंग है। एक बार कई दिनों बाद मीटिंग हुई है, दोबारा एक बार इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये मीटिंग इन्होंने जो बुलाई है क्यों बुलाई है। ये आपको बता दें कि पिछले दो तीन दिनों से कोई एक लेटर इनको इश्यू हुआ है हरियाणा बोर्ड का और एट्थ की क्लास को लेकर के क्या इनको मान्यता का नोटिस आया है उसी को लेकर के एक बार इनसे चर्चा करेंगे। तमाम जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं, प्रधान जी हमारे साथ, रामपाल जी और स्टेट के प्रधान भी हैं, तमाम लोगों से हम बारी बारी बात कर लेते हैं। रामपाल जी, ये बताइए, आज आप लोगों ने मीटिंग बुलाई है, किस लिए बुलाई है, क्या मुद्दा है थोड़ा सा? आज हमारी हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रेवाड़ी जिला की इकाई की मीटिंग हुई है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पिछले 15-20 दिन से चर्चा थी कि भाई 8वीं क्लास के एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और उसमें अभी एक सर्कुलेट लेटर जारी किया है असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कि 2 नवंबर तक तमाम जितने भी CBSE से एफिलेटेड स्कूल हैं 2 नवंबर से पहले 20,000 रुपये एफिलेशन फीस जमा करें, 2 नवंबर के बाद 5,000 रुपये विद जुर्माना के साथ फीस जमा करें। और वो एक अपनी मनमर्जी थोप रहे हैं कि भाई हम CBSE स्कूल एफिलेटेड लेने के बाद 8वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। हमारी एसोसिएशन ने आज उसका खुला विरोध किया है और हमने अपनी आज जिला की कोर ग्रुप, जिला कार्यकारिणी और सभी ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर बुलाए हैं और सब ने एक सहमत होकर के एक स्वर में इसका विरोध करने का निर्णय लिया है कि हम 2 बोर्डों के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने हरियाणा गवर्नमेंट से NOC ले रखी है और हम सभी CBSE स्कूल से एफिलेटेड है CBSE से। तो सुन लिया आपने जो पूरा माजरा विस्तार से कि ऑलरेडी ये तमाम जो स्कूल है CBSE से एफिलेटेड है और हरियाणा बोर्ड से यानी कि हरियाणा सरकार से भी इनको मान्यता प्राप्त है, जैसा क्योंकि गाइडलाइन है पहले हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त होना पड़ता है उसके बाद CBSE से मान्यता मिलती है। अब इसके बावजूद इनको हरियाणा बोर्ड का जो नोटिस आया है कि आपको हरियाणा बोर्ड से भी मान्यता लेनी होगी और उसके बाद एक जो एट्थ का एग्ज़ाम है वो उसको वो करवाएंगे और उसके लिए बाकायदा एक फीस रखी है उसी को लेकर के जो ये आक्रोश हम आपको दिखा रहे हैं, एचआर न्यूज आपको लाइव यानी कि ये चीज़ें दिखा रहा है कि किस तरीके से जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग है, तमाम जो स्कूलों के लोग यहाँ आए हुए हैं और एक बार इनसे बारी बारी बात कर लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। मैडम, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, आपको जो नोटिस मिला है, आप तो ऑलरेडी एफिलेटेड है, फिर 2 जगह से मान्यता का क्या पर्पज होता है? सर, ये पर्पज़ ही तो समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है कि कोई भी चीज़ है उसको पहले कंसल्ट किया जाता। हम पे थोप दिया गया कि 20,000 फीस पे करनी है और जो 20,000 फीस भी पे करनी है तो उसके लिए हमने भी डिस्कस किया है, आगे हम भी सोल्यूशन निकालेंगे। तो आप लोग तो जब एफिलेटेड होता है स्कूल CBSE से तो उससे पहले मान्यता तो आपको लेनी पड़ती है हरियाणा गवर्नमेंट से। तो मान्यता तो एफिलेशन तो हमने ली हुई है, लेकिन ये जो फीस का जो भी हरियाणा बोर्ड जो आप पे दबाव बना रहा है, हरियाणा बोर्ड हम पे कई तरह के दबाव बना रहा है जो जायज नहीं है और जो हमें ठीक नहीं लग रहा, आगे हम भी कोई ना कोई उसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे। तो आपस में आज हमारी सर से जो भी बात हुई है, जो हमारे प्रधान जी है, जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। तो हरियाणा बोर्ड जिस तरीके से इनको नोटिस दिया, दबाव बना रहा है कि आपको हमसे परमिशन लेनी होगी, जनाब एक बात बताइए, इसका हल क्या? जब आप CBSE से ऑलरेडी एफिलेटेड हैं, पायदान तो आप यहीं से चढ़ के गए होंगे ना? देखिए, हमने हरियाणा गवर्नमेंट से जो है NOC ले चुके और CBSE से एफिलेशन है। अब जब हम उस बोर्ड से, हमारी 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम होते हैं, हम जाएं हरियाणा बोर्ड में 8वीं के लिए, पेरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं है, सभी स्कूलों में आक्रोश है, भारी आक्रोश है, हम 2-2 बोर्डों के से एफिलेशन नहीं ले सकते। इसलिए CBSE चाहे हमारी 5वीं और 8वीं के एग्ज़ाम ले सकती, हम तैयार हैं, लेकिन अगर शिक्षा बोर्ड भिवानी एग्ज़ाम लेगा हम उसका खुला विरोध करेंगे और अगर उसका सरकार से चाहेंगे कि वो हस्तक्षेप करें और तुरंत इस पर पुनर्विचार जो है किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है, भिवानी बोर्ड का रोल कहाँ रह जाता है जब आपकी तमाम चीज़ें जो लागू होती है CBSE से लागू होती है, हरियाणा बोर्ड का कहीं कोई रोल होता है आपके? CBSE स्कूलों पर एक जबरदस्ती थोपा जा रहा है फीस कलेक्शन करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो बिना सरकार की मर्जी के तो बोर्ड भी नहीं कर रहा होगा ना, कहीं ना कहीं सरकार बोर्ड स्वतंत्र है, लेकिन सरकार चाहे तो उसको रोक सकती है और ये हमारी मांग है। आज हमने डिसीजन लिया सभी ने बैठ करके, सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इस पर जो है
हरियाणा बोर्ड को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दें और वो वापस अपना जो एक उनकी जो प्री प्लान्ड है जो उन्होंने लेकर क्या है कि भाई हम आठवीं क्लास के एग्ज़ाम लेंगे CBSE के, उसको वापस ले तुरंत, अगर नहीं लेते तो हम जो है सरकार को भी चेताएंगे। आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड का खजाना खाली है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, इस तरीके का कोई दबाव बना सकता है क्या, इसके अंदर मंशा नजर आती है? नहीं, हो सकता है कि जो 20,000 रुपये पर स्कूल ले रहे हैं तो ये कोई औचित्य नहीं, और 5,000 जुर्माना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। अगर पूरे हरियाणा की बात करें, तमाम अगर स्कूल हो तो कितने स्कूल इसके अंदर होंगे? हाँ, लगभग मेरे ख्याल से 10,000 से 15,000 से अबाउ जाएंगे, 15,000 के आसपास जो है हरियाणा के स्कूल होंगे जो CBSE से एफिलेटेड है। टोटल पैसा अगर हम काउंट करें तो कितना होगा? हम पैसे काउंट की बात करें तो वो खजाने के लिए सवाल नहीं उठते ना, ये हमारा काम नहीं है, वो काम बोर्ड का है। तो देखिए, ये आक्रोश है, एक बार इनसे बात करेंगे सीधा सीधा, यानी कि जो कहीं ना कहीं निजी स्कूलों में जो आक्रोश है, क्योंकि आपको बता दें कोरोना काल की दो यानी कि जो लहर आई थी उसमें तमाम स्कूल अपनी मार झेल चुके हैं। फीस का भी कहीं ना कहीं जो अभिभावकों को फीस देनी थी वो भी पूरी तरीके से स्कूलों में फीस नहीं आई, और स्कूलों के जो खर्चे थे वो कहीं ना कहीं बरकरार रहे। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भिवानी बोर्ड इन पर किस तरीके का जो बर्डन डाल रहा है उसको लेकर के चिंतित है। तमाम स्कूलों की हालत इस वक्त पतली है। कल भी हमने आपको दिखाया था कि दीपावली का पावन पर्व है, लोगों की जेबें खाली है, कारोबार चौपट है, नौकरियाँ चली गई है, तो ऐसे में कैसे तमाम। जनाब, आपसे एक बार जानकारी चाहेंगे, चल जो आपको अब ये नोटिस दिया है, कितना बर्डन आप लोगों पे पड़ जाएगा? सर, बर्डन की बात नहीं है, मेन तो क्या है कि जो सरकार अपने ही रूलिंग से हटके इधर तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में केवल 12th का ही बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, और इधर जो है 8वीं का बोर्ड लागू कर रही है, तो वो अपने ही जो है रूल्स को जो है कंट्रास्ट उसमें अपने आप ही जो फेल कर रही है, तो इसी के लिए हमारे आप लोग का भी काफ़ी बड़ी मार झेल के चुके हैं। स्कूल काफ़ी लंबे समय से बंद थे, 20 में बंद रहे, 21 में बंद रहे, उसके बावजूद अब इस तरीके का नोटिस आना, क्या लगता है कि शिक्षण संस्थानों को किसी तरीके से डराना या उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करना या ख़त्म करने की कहीं कोई मंशा नजर आती है? ये सिर्फ सरकार का मेरा मानना है कि अपना रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ही ये पॉलिसी बनाई जा रही है, ताकि इसमें कुल जो है लाखों बच्चे जो अपीयर होंगे और उनसे जो एक मोटा रिवेन्यू आएगा, और जिससे बोर्ड जो है इससे अब की मोटी इनकम होगी। इससे मोटी इनकम कहीं ना कहीं स्कूल वालों के मन में जो बात थी वो सामने आ गई है। आपको लगता है जो ये आपको नोटिस दिए गए हैं रिवेन्यू जैसे अभी बता रहे हैं? सर, रिवेन्यू का कोई मुद्दा नहीं है, ये तो एक गलत परंपरा है। एक बोर्ड से जब हमें एफिलेशन मिली हुई है तो हम दूसरे बोर्ड के लिए क्यों जाएं? पहले ही ये कहते हैं कि आप एक स्कूल एक ही बोर्ड से स्कूल चला सकता, दो से नहीं चला सकता। अब सरकार ये कह रही है कि दूसरे बोर्ड से भी आप एग्जाम दिलो, अगर एग्जाम लेना है तो CBSE ले, न कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। बात ये नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेगा या क्या करेगा, रेवेन्यू को तो एक अलग मैटर है, लेकिन आप इस चीज़ को तो लेके चलें कि सरकार जो कहना चाह रही है, एक तो नई शिक्षा नीति लागू कर रही है, दूसरे ऊपर से ये कह रही है कि 8th का एग्जाम भी बोर्ड लेगा, ये बात हमारी समझ ऐसे में सरकारों की क्या मंशा नजर आती है? रेवेन्यू कलेक्ट करना है या शिक्षण संस्थान को किसी तरीके से, ये चीज़ें तो जो है ना, आपने मीटिंग की क्या डिस्कस उसके अंदर हुआ? मीटिंग में तो ये डिस्कशन हुआ है कि भाई जो है हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, अगर CBSE हमारा एग्जाम लेना चाहती है तो वी आर रेडी। खुद हरियाणा गवर्नमेंट CBSE में अपने स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को लेकर के गई है 10वीं और 12वीं के, और 8वीं हमारे ऊपर थोप रहे हैं। आप देखिए ना, 138 स्कूल इस समय मॉडल संस्कृति के नाम से CBSE से एफिलेशन लिए, और CBSE से एफिलेशन का मतलब 10वीं और 12वीं के वहाँ एग्जाम दिलाएंगे, और हमें जो है घसीट रहे 8वीं क्लास के लिए एग्जाम। एक तरीके से ऐसा नहीं है, स्कूल पर टोल का टोल लगा दिया जाए, जैसे ये टोल लगाने की कोशिश की जा रही है भिवानी बोर्ड की आड़ में। हरियाणा विद्यालय भिवानी बोर्ड की जो दोहरी नीति है, ये दोहरी नीति नहीं चलने दी। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, ये टोल लगाने वाली तो स्थिति नहीं है, जैसे सड़कों पर टोल लगा दिया जाता है, एक टोल बनाया, आज भिवानी बोर्ड कह रहा है, कल कोई और संस्थान कहेगा कि आप पैसे जमा करा। पेरेंट्सों में आक्रोश है भाई, जब हमने बच्चे CBSE स्कूल को मान करके हमने अपने बच्चों का एडमिशन दिलाया है, और कोरोना काल में अभी अभी स्कूल खुले, ऐसी क्या एकाएक जल्दी आई जो आपने तुरंत निर्णय ले लिया? आप कहीं ना कहीं सभी स्कूलों को विश्वास में लेकर के, प्राइवेट स्कूलों को, उनके एसोसिएशन को विश्वास में लेके आने वाली 2022 और 23 में ऐसा करेंगे तब तो ठीक था, आपने तो एकाएक जबकि नई शिक्षा नीति के अंदर ये आ रहा है कि केवल और केवल 12वीं के एग्ज़ाम होंगे। जब नई शिक्षा नीति आ रही है और हमसे जो है 8वीं क्लास के ऊपर एग्जाम के लिए थोपा जा रहा है, तो इसका आप लगाइए कि वो पैसे के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं।
इसलिए हम उसका खुला विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, आप क्या कहेंगे जो ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या लगता है रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए तमाम चीजें? हम सभी का स्कूल सीबीएसई अपडेटेड है, हरियाणा बोर्ड ने हमने को एनओसी दी हुई है, हम सीबीएसई के रूल फॉलो कर रहे हैं। अब ये समस्या बीच में हमें समझ में नहीं आ रही कि हरियाणा बोर्ड ने ज़बरदस्ती हमारे साथ क्यों की है, और इस समय हम 20,000 रुपये भी पे करने लायक नहीं है, क्योंकि पहले लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान हो चुका है और ना ही पेरेंट्स इस हालत में है कि ये फंड उठा पाएंगे। ये केवल केवल विरोध करेंगे हम, और बिल्कुल इसको हम नहीं मानेंगे और ना ही हमारे स्कूल। चलिए, आपकी रणनीति क्या होगी प्रधान जी, अगली रणनीति क्या, आंदोलन करेंगे लगातार आप तो? हम शिक्षा बोर्ड बिहानी को एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए ना, कोरोना काल में जिस तरीके से आंदोलन करा, कल हमने दिखाया मीरपुर यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक, तो लगता है शिक्षण संस्थानों को भी आंदोलन की राह पर चला दिया गया है। आए दिन इनके साथ विवाद खड़े कर दो, ये आंदोलन में लगे रहेंगे, ऐसे में स्कूल कब चलाएंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जबरदस्ती जो है सीबीएसई के ऊपर ना थोपा जाए। अगर ऐसा करेंगे दुस्साहस, तो हम निश्चित तौर से हरियाणा सरकार से बात करेंगे, वहाँ बैठने वाले माननीय शिक्षा मंत्री जी है उससे बात करेंगे। अगर वो हस्तक्षेप करके इस पर पुनर्विचार करते हैं और अपनी योजना को वापस लेते हैं, 8th के एग्ज़ाम को वापस लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे और हम जो है इसमें बिल्कुल नहीं मानने वाले। तो देखिए, भिवानी बोर्ड की जो नोटिस की बात है उसको कतई नहीं माना जाएगा और आंदोलन की राह पकड़ेंगे, क्योंकि आपको बताएं शिक्षण संस्थान पहले भी स्कूलों को खोलने को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जनाब, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, अभी पहले सरकार ने जो NOC जारी की थी सभी चीज़ें दे चुकी हैं, अब हमारे बावड़ में टाउन प्लानिंग अधिकारियों ने भी स्कूलों को नोटिस देने शुरू कर दिए कि ताकि स्कूल वाले परेशान हो जाएं, हर रूप से स्कूल वालों को परेशान करने की नीति चल रही है और कोई विचार नहीं चल रहे हैं कैसे स्कूल वालों को परेशान किया जाए, कैसे सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए, सब चीज़ें उसी पर विचार चल रहा है और कोई चीज़ नहीं है। एक अच्छी व्यवस्था दे स्कूलों को, सपोर्ट करे किसी तरह का, कोरोना काल से जो पेरेंट्स बाहर निकल रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, उनको स्कूल कैसे सपोर्ट करें, वो चीज़ें नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं एक दूसरे की टांग खींचने का काम चल रहा है और कुछ नहीं है। तो ये देखिए सीधा गुस्सा कहीं ना कहीं इस जो शिक्षण संस्थान है, तमाम जो लोग आए हैं उनके अंदर है। बाकायदा यहाँ प्रेस वार्ता की गई, तमाम स्कूलों ने मीटिंग की है और आने वाले दिनों में हम आपको बताएं कि कहीं ना कहीं ये विवाद और भी गर्माएगा, क्योंकि भिवानी बोर्ड ने जिस तरीके से इनको नोटिस दिया है और एक आदेश दिया है कि आप 20,000 रुपये जमा कराइए, नहीं 5,000 की पलंटी है और आप 8th के परीक्षा तभी दे पाएंगे, यानी कि 8th की परीक्षा आपको दिलानी होगी भिवानी बोर्ड से, और उसको लेकर के जो नोटिस दिया है, आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये मामला कितना और गर्माएगा। कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों की रातों की नींद उड़ी हुई है, जो निजी स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं पसोपेश में है और एक बार फिर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भिवानी बोर्ड ने इन पर दबाव बनाया है तमाम स्कूलों पर और जो नोटिस दिया है वो कहीं ना कहीं विवाद की बड़ी जड़ है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।